खरगोन जिले के बड़वाह में नगर परिषद के सफाई कर्मी सड़कों पर उतरे और सीएमओ की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोलकर उचित कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि कुछ महीने से नगर परिषद के सीएमओ राधेश्याम मंडलोई की कार्यप्रणाली पर सफाई कर्मियों ने सवालिया निशान लगाकर पूरी स्थिति से बड़वाह एसडीएम को आगाह करा चुके थे, बावजूद उसके सीएमओ का कर्मचारियों के प्रति रवैया विचाराधीन लग रहा था, जिनके विरोध में कर्मियों ने एक बार फिर मोर्चा खोला और थाने जाकर थाना प्रभारी को अवगत कराया, साथ ही एसडीएम कार्यालय कर पुनः ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तहसीलदार रंजना पाटीदार ने उचित कार्यवाही करने की बात कही। आज नगर पालिका के कर्मचारियों ने, जो उनके सीएमओ है मंडोई जी, उनके विरुद्ध एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और गाली गलौज की जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्या कार्रवाई होगी इसमें? चूंकि अब एसडीएम साहब नगर पालिका के प्रशासक भी हैं, तो जैसे ही वो आते हैं उनको संज्ञान में ये बात लाते हैं, उसके बाद जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अच्छे से पूछना यार। जब तक हमारी बात का वो नहीं होता एसडीएम साहब द्वारा, उनको सांत्वना नहीं दी जाती है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, उन सबसे हमारी मांग अनुसार यहाँ पर हम बैठेंगे। यहाँ नहीं, आप बैठ सकते हैं, कोर्ट परिसर आप अपने, आपको जहाँ बैठना है बैठे, कि न्यायालय में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो ये न्यायालय भी है, कमिटर की रेंज में है आप यहाँ पे। नहीं नहीं, धरना धरना नहीं, धरना तो कुछ नहीं, चर्चा करना है। हमारा तो आपसे निवेदन ये है, कल भी आप जब अभी डॉक्टर गए हैं शिविर में, जब आ जाएंगे तो आप दो चार प्रतिनिधि आके चर्चा कर लेना, चर्चा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप कोर्ट परिसर में यहाँ ऐसा मीटिंग लगाएंगे। आप जैसा निर्देश देंगे है ना, आप ज्ञापन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मैडम जो अनशनकारी बनी है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, जबकि वो विकलांग है बेचारे, और वो आवक जावक में बैठती हैं। उनको कल छुट्टी का आवेदन देने के लिए गया था, तो उनको कि तुमको छुट्टी का आवेदन क्यों लिया और उनको गाली गलौज मैडम जैन मैडम, तो वो उसी प्रकार।